टीवी की सच्चाई। बहुत समय पहले किसी स्कूल की तीसरी क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। उसी क्लास में अंश और वंशिका नाम के दो दोस्त भी पढ़ते थे। उन दोनों को ही टीवी देखना बहुत अच्छा लगता था। वो जैसा टीवी में देखते थे वैसे ही क्लास में किया करते थे। मैं आयरन मैन की तरह इतना ऊपर से कूद सकती हूँ। बस मैं तो कैप्टन अमेरिका की तरह इससे भी ऊपर से कूद सकता हूँ। मैंने कल एक फिल्म देखी, उस फिल्म में स्पाइडरमैन एक पतले से धागे की मदद से दीवार पर चढ़ गया। हाँ, मैंने भी वो फिल्म देखी थी। वो पहले दीवार पर चढ़ गया, फिर दीवार पर से कूद भी गया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। फिर तो हम भी वैसे ही कूद सकते हैं। हाँ, मैं कल कूदने के लिए रस्सी लेकर आऊँगा। हम उसकी मदद से पहले दीवार पर चढ़ेंगे और फिर दूसरी तरफ कूदेंगे। बहुत मजा आएगा। अगली सुबह वंश ने घर से निकलने से पहले अपने स्कूल बैग में एक पतली सी रस्सी रखी और वो स्कूल के लिए निकल गया। सुबह सुबह जब सारे बच्चे प्रेयिंग ग्राउंड में प्रेयर कर रहे थे, अंश और वंशिका स्कूल में ही बनी एक बहुत ऊंची दीवार के पास गए। पहले हमें इस रस्सी को ऊपर से बांधना होगा, ये कहकर दोनों छत पर गए। उन्होंने रस्सी को छत पर किसी मजबूत चीज से बांध दिया और नीचे आ गए। चलो अब हम भी स्पाइडरमैन की तरह इस रस्सी की मदद से छत पर चढ़ते हैं। पहले मैं चढ़ूंगी। वंशिका ने रस्सी पकड़ी और उस पर चढ़ने लगी, लेकिन वो रस्सी पर नहीं चढ़ पा रही थी। ये देखकर अंश ने कहा, तुमसे नहीं होगा, दिखाओ मैं चढ़ता हूँ। अंश ने वंशिका से रस्सी ली और वो रस्सी पर चढ़ने लगा, लेकिन रस्सी बहुत पतली थी इसलिए अंश के थोड़ा जोर से खींचने पर ही टूट गई। ये तुमने क्या किया, तुमने रस्सी तोड़ दी। कोई बात नहीं, हम स्पाइडरमैन की तरह ऊपर नहीं चढ़ सकते तो क्या हुआ, उसकी तरह ऊपर से कूद तो सकते हैं। हाँ, अब वो दोनों स्पाइडरमैन की तरह कूदने के लिए ऊपर छत पर गए। चलो अब एक साथ कूदते हैं। ये कहकर वो कूदने के लिए आगे बढ़े, तभी दूर से उनकी टीचर ने उन्हें देख लिया। टीचर उन्हें रोकते हुए चिल्ला कर बोली, अंश वंशिका दीवार से पीछे हटो। टीचर के ऐसा कहने पर वो दोनों पीछे हट गए। टीचर उनके पास आई और बोली, ये तुम क्या कर रहे थे। हम स्पाइडरमैन की तरह छत से कूद रहे थे। हाँ, हमने टीवी में देखा था, स्पाइडरमैन ऊपर से कूद गया और उसे कुछ भी नहीं हुआ। इस पर टीचर ने उन्हें समझाते हुए कहा, हाँ पर बच्चों वो टीवी में था और टीवी में हर चीज असली नहीं होती, वो सब बनावटी और नकली होता है जिसे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया जाता है। इसलिए हमें कभी भी टीवी में दिखाई जाने वाली चीजों की नकल नहीं करनी चाहिए। टीचर के ऐसा समझाने पर बच्चे समझ गए। सॉरी टीचर, हम आपकी बात समझ गए, अब हम कभी टीवी की नकल नहीं करेंगे। इस तरह अंश और वंशिका टीवी की सच्चाई समझ गए और फिर उन्होंने कभी टीवी की नकल नहीं की। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि टीवी में जो भी दिखाया जाता है वो सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए होता है, इसलिए हमें उसे सिर्फ एंटरटेनमेंट की तरह ही देखना चाहिए और रियल लाइफ में वैसा नहीं करना चाहिए। गट्टू बना असली सोल्जर। पबजी गेम ने बच्चों को पागल कर दिया था। गट्टू और चिंकी भी पापा का मोबाइल लेकर बैठ जाते और पबजी खेलने लगते। क्या कर रहे हो बच्चों? पापा हम गेम खेल रहे हैं। गेम खेल रहे हो, लेकिन तुम तो बैठे हो, फिर खेल कहाँ रहे हो? अरे पापा, हम बैठे बैठे गेम खेल रहे हैं, मोबाइल गेम। अच्छा, कौन सा गेम खेल रहे हो? कैंडी क्रश? अरे पापा, कैंडी क्रश तो पुराना हो गया है, हम तो नया वाला खेल रहे हैं। अच्छा अब समझा, लूडो खेल रहे हो क्या? पापा आप भी, लूडो बहुत बोरिंग है, हम तो पबजी खेल रहे हैं, पबजी। मैं जीत गया, मैं जीत गया, जय पबजी, जय पबजी। भैया अब मेरी बारी। नहीं, मुझे और खेलना है। पापा आप कहिए ना भैया से। गट्टू जरा दिखाओ तो, मैं भी खेल कर देखता हूँ। क्या आप भी पबजी खेलेंगे? ये लीजिए। पापा मोबाइल लेकर पबजी खेलते हैं।
पापा आप तो मर गए, मार दिया उसने आपको। ये लो भाई तुम ही खेलो, मुझे तो ये मार धार वाले गेम बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे तो वह कैंडी क्रश ही अच्छा लगता है। पापा चले जाते हैं और बच्चे फिर से पबजी खेलने लगते हैं। क्या आप भी बच्चों के साथ गेम खेलने बैठ गए? आपको उन्हें रोकना चाहिए ना। क्यों, क्या हुआ? अरे वो हर वक्त बस पबजी पबजी करते रहते हैं, ना ठीक से खाना खाते हैं, ना मैदान में जाकर खेलते हैं, बस पबजी पबजी पबजी। मैं तो तंग आ चुकी हूँ पबजी से, पढ़ाई भी ढंग से नहीं करते। संडे यानी छुट्टी का दिन, गट्टू चिंकी और उनके दोस्त छुट्टी का फायदा उठा रहे थे। सब हॉल में बैठकर पबजी खेल रहे थे। ये मैं जीत गया, जय पबजी, जय पबजी। इतने में मम्मी आती है। बच्चों बहुत हुआ पबजी खेलना, अब पढ़ाई करो। अरे आंटी हमें सोल्जर बनना है। उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है? नहीं, हम पबजी खेलकर भी सोल्जर बन सकते हैं। पबजी में बंदूक चलाना, दुश्मन को मारना सब सीख गए हैं हम। बच्चों की बात सुनकर मम्मी परेशान हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, बच्चों को पबजी खेलने की बुरी आदत लग जाती है और बच्चों के माँ बाप परेशान हो जाते हैं। अचानक एक दिन भारत सरकार पबजी को बैन कर देती है और पबजी की आदत लगे गट्टू और चिंकी का बुरा हाल हो जाता है। क्या जरूरत थी पबजी बैन करने की, हमें सोल्जर बनना था, अब हम कैसे बनेंगे? अब हम क्या खेलेंगे? मैदान में जाकर क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, उससे तुम्हारा व्यायाम भी हो जाएगा और तंदुरुस्त भी रहोगे, फिर तो तुम पक्का सोल्जर बनोगे। नहीं हमें पबजी ही खेलना है। ऐसा कहकर गट्टू और चिंकी रोने लगते हैं। तभी गट्टू और चिंकी के मामा जी आते हैं। मामा जी आर्मी में बड़े अफसर थे। कैसी हो दीदी, क्या हुआ है बच्चों को? पबजी बैन हुआ है ना, उसी का नतीजा है ये। मामा जी हमें आपकी तरह सोल्जर बनना था, पबजी बैन हो गया, अब हम कैसे सोल्जर बनेंगे? यह सुनकर मामा जी हंस पड़ते हैं। देखो हरीश मैं तो तंग आ चुकी हूँ, अब तुम ही उतारो इनका पबजी का भूत। फिर मामा जी सारे बच्चों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं, बच्चों तुम जानते हो मैं सोल्जर कैसे बना? कैसे? बचपन में मैं घर में बैठकर सिर्फ वीडियो गेम खेलता था, व्यायाम नहीं करता था और बहुत मोटा हो गया था। फिर क्या हुआ? मैं जब सोल्जर बनने के लिए गया तो मुझे निकाल दिया गया, ये कहकर कि तुम बहुत मोटे हो। फिर आपने क्या किया? मैंने वीडियो गेम खेलना बंद किया और मैदान में जाकर खेलने लगा, फिर मेरा मोटापा कम हुआ और मैं सोल्जर बन गया। हमें भी तो सोल्जर बनना है। तुम सोल्जर नहीं बन सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम घर में बैठकर गेम खेलते हो, फिर तुम भी मोटे हो जाओगे और रिजेक्ट हो जाओगे। तो फिर हम क्या करें? मोबाइल पर गेम खेलना बंद कर दो और मैदान में जाओ, वहाँ कसरत करो, क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो, फिर तुम भी मेरी तरह फिट रहोगे और सोल्जर बन सकोगे। सच मामा जी? हाँ बच्चों, पबजी खेलने से कोई सोल्जर नहीं बनता और बंदूक चलाना पबजी जैसा आसान नहीं है, उसकी अलग से ट्रेनिंग होती है। अगर तुम्हें वो ट्रेनिंग लेनी है तो पहले सिलेक्ट होना होगा और सिलेक्ट होने के लिए मैदानी गेम खेलने होंगे और पढ़ाई भी करनी होगी। अब हम समझ गए मामा जी, हम थोड़ी देर पढ़ाई करेंगे और फिर मैदान में जाकर फुटबॉल खेलेंगे। मोबाइल गेम्स बस मनोरंजन के लिए होते हैं, इसलिए वो ज्यादा नहीं खेलेंगे। और इस प्रकार बच्चों के सर से पबजी का भूत उतर जाता है और बच्चे समझदार बन जाते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।